हम कहीं जा रहे हैं बाहर और ये उसकी तैयारी कर रहा है, मतलब मैंने कर रखी है, ये उठा रहा है इसे। आज हम पिकनिक करेंगे, मौका मिला तो। अगर मिला तो, नहीं तो कार, नहीं तो कार है, फुल यूज करेंगे कार का। चल यार जल्दी लेट मत कर, चल चल सैंडल पहन। आज जहाँ हम जा रहे हैं, हम भी पहली बार जा रहे हैं तो पता नहीं कि वो प्लेस कैसी होगी, जैसी भी होती आपको दिखेगी सामने। चलो 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 फास्ट चलो। हल्की हल्की बारिश है, फिर कॉपी पर मेरा कॉपी होगा। प्लीज वैसे भी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को बारिश नहीं ना, लगेगा नहीं, थोड़ा सा ऐसे आँखें चमक रही है। इतना प्लीज बोलता है क्या कोई किसी को, बताओ? बिल्कुल फिक्र ही नहीं है मेरी इस इंसान को, गया अभी फाइनली। सब कुछ गाड़ी में रख के अभी हम बैठ चुके हैं और निकलेंगे ना अभी। चलो उसी ना आराम से। हाँ ना, इतना ठंडा है वातावरण बट हवा ही नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत है। ह्यूमिडिटी है, एक्चुअली ह्यूमिडिटी है, बाकी कुछ नहीं। गरम नहीं है क्योंकि मुझे पसीना नहीं आ रहा, मतलब गरम नहीं है, इसको आ रहा मतलब ह्यूमिडिटी है। ये देखो ए भाई चल ले जल्दी, ये ऐसे करके खड़ा है यहाँ पे और इसकी वजह से हम अटक गए। और आगे ट्रेन का गेट है, ट्रेन का फाटक है, फाटक रेलवे फाटक है, अगर वो बंद हो गया तो हम अटक जाएंगे। यार निकल यार जल्दी, अभी खुला है वो, ठीक है क्या बोलते सर, न्यू कार कैसे लग रहा है? मजा आ रहा। वैसे आज हमारा कहीं जाने का प्लान नहीं था इनिशियली, मुझे नहीं जाना था, मैंने इसको बोला कि चल आज रेस्ट करते घर पे बढ़िया, बट ये सुबह उठ के मुझे बोलता है चल ना कहीं जा। अभी बस ये दो दिन की चांदनी है, बस कार न्यू न्यू है तब तक, फिर बोलेगा क्या कार निकालना, क्या जाना, रहने दे नहीं जाते। ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं है जनरली, अगर जाने हैं तो हम दोनों जाते ही। अरे यार यहाँ पे कैसे रखते हैं प्लीज़, अगर किसी को बताऊँगा तो प्लीज़ बताओ कि कार में यहाँ पे, जो बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है मैंने, यहाँ पे रख के बातें करते हैं। अरे उसकी एक्सेसरी आती होगी कोई GoPro की। हाँ भाई, जस्ट लुक एट दिस गाइस, वाह, इसको बोलते हैं इंडिया, इसको बोलते हैं इंडिया का, इंडिया की ओपन कार, ओपन ट्रक। वैसे हम जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ का रास्ता अच्छा है, लेकिन बीच बीच में ऐसा है खबर खबर, यहाँ पे हाँ डाइवर्जेंस है और कच्चा है, काम हो रहा है इसलिए थोड़ा ऐसे कच्चा कच्चा रास्ता है, बट इसको मजा आ रहा है चलाते हुए। न्यू न्यू गाड़ी है ना इसलिए। और ये देखो खेती में काम भी चल रहा है, अभी बारिश आएगी ना उस... अभी हम हाफ वे नहीं, ज्यादा 10 मिनट बचा है, बट रास्ता बहुत ही गंदा है, बीच में थोड़ा पैच था। हाँ, जो गांव से जाता है बहुत बहुत ज्यादा गंदा है, एक्चुअली गंदा है, गड्ढे वड्ढे, और बारिश में तो आई डोंट थिंक कि कोई इधर आ भी सकता क्योंकि पूरा चिखल चिखल हो जाएगा। गांव में अच्छा है, कंक्रीट का रोड दिख रहा है। गांव में आई होप अच्छा हो। अरे हटना सड़क का भाई, उधर जाके उसको भिड़ गई उसके फ्रेंड को। मैंने ब्लॉग देखे इधर के, बहुत से लोगों ने बोला है कि बहुत अच्छा रास्ता है, कुछ अच्छा रास्ता है। उसको स्टेट हाईवे से यहाँ तक का रास्ता खराब है। हाँ। 10-7 किलोमीटर का नहीं, 10 भी नहीं, 6 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर का पैच है ये, बाकी हाँ। तो इन जनरल अच्छा ही, बाकी ठीक है, अच्छा हाँ। नहीं है, सीधा सीधा नहीं है, है ड्राइवेबल, गाड़ी निकाल हाँ। सकते तुम, ऐसा निकाल सकते, मतलब ऐसे नहीं कि नहीं आ सकते, लेकिन वो जो बीच का पैच है ना वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा बहुत अगर बारिश रही तो। वहाँ पे
तो इजीली निकल जाएगी, फोर व्हीलर का बारिश में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि अभी भी वहाँ पे पूरा ऐसे गटर जैसा बना हुआ है, बट निकलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगी। हमारा ड्राइवर फर्स्ट टाइम घाट में चल रहा है, ये फुल ऑफ रोडिंग है, फुल ऑफ रोडिंग, फुल डालू क्या डाल डाल उसको पूछ ले कि नहीं पूछता, जानने मत पूछ, पूछता पूछ ले दादा। क्विक चेंज इन प्लान, वी आर नॉट गोइंग देयर। बाय द वे जहाँ पे हम जा रहे थे वो सलाई मिंडा डैम था, बट उसका रास्ता बहुत ही हमको तो भी ठीक नहीं लगा, मेन रोड से काफी ऑफ रोड उतरना पड़ता है, फोर व्हीलर नहीं उतरती क्योंकि रास्ता बहुत खराब था। हाँ, और हमारी इच्छा नहीं थी कि हम नई गाड़ी वहाँ रख के जाए, क्योंकि एक लिमिट तक हम गए बाद में वापस आ गए, और वापस आ गए, और वापस आते अभी बिल्कुल भी रास्ता एकदम ही खराब है, मतलब सिंगल लेन है वो तो अलग, बट साइड से उसके पानी नाला वगैरह है तो नहीं जाती वहाँ पे गाड़ी। अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हो तो बेस्ट है, चले जाओ वहाँ, कोई टेंशन नहीं है, बहुत लोग है। हाँ, आज तो काफी लोग है वहाँ पे, ग्रुप है पूरे, एक तो 7-8-10 लोगों का ग्रुप वगैरह आया है, बट अभी हम नहीं जा रहे वहाँ पे क्योंकि हमको खाना भी है, तो हम कहीं दूसरी जगह एक देखी थी हमने, वहाँ पे हम जाएंगे, वो डायरेक्टली है वहाँ पे, ऐसे कुछ ऑफ रोडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फिर कभी हम टू व्हीलर से आएंगे अगर आए तो। अदरवाइज ये प्लेस का नाम जो हम जाने वाले थे उसका था सलाई मेंढा डैम, डायरेक्ट आ जाता है अगर आपको जाना है, और ऐसे ट्रेल के हिसाब से जाना है तो ही आओ, अगर फोर व्हीलर से जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक जाना है तो फिर मत आओ, क्योंकि वहाँ से फिर पैदल जाना पड़ेगा। हाँ, फोर व्हीलर के हिसाब से थोड़ा सूटेबल नहीं है क्योंकि ऑफ रोड करना पड़ता है, और अगर तुम फोर व्हीलर लेके जाते भी हो तो आप गाड़ी रख के फिर तुमको 1-2 किलोमीटर पैदल घूमना पड़ेगा, उतना समय अगर मतलब वो देख के लग रहा था कि 1-2 किलोमीटर होगा, एग्जैक्ट कम ज्यादा हो सकता है, उतना समय तुम्हारे पास अगर है तो देन डेफिनेटली जाओ, अगर सिंगल स्पॉट तुमको कवर करना है तो। लेकिन हमारा प्लान थोड़ा अलग है, 2-3 स्पॉट्स कवर करने हैं, और वो डैम ही है, लेक ही है, तो दूसरा जो पॉइंट है वो भी सिमिलर ही है हमारे हिसाब से, और ये भी रोड ट्रिप हो गई, अच्छा ही लग रहा है जैसे ये ही है, एंड मुझे मच्छर काटा है यहाँ पे। फाइनली पहुँच गए, पीछे एक मंदिर है वहाँ भी जाएंगे थोड़ी देर में। अपडेट, गौरव ने गाड़ी ठोक दी। हाँ, थोड़ी सी ठोकी, गौरव ने गाड़ी ठोक दी, बट थोड़ी सी ठोकी है, दिखाएंगे बाद में, उधर पार्किंग में जाने के बाद दिखा देंगे। वो एक्चुअली हुआ ऐसे ना कि ऐसा सीधा रास्ता, ऐसा डिप था, वहाँ पर पुल था और फिर ऐसा ऊपर था, ठीक है, तो ऊपर चढ़ाते में जो रास्ता था वो डामरीकरण किया था, लेकिन प्रॉपर नहीं था डामरीकरण वो, तो ऐसा बीच में एक ऐसा टेकरी टाइप था, वो टेकरी मैंने टायर के नीचे लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने टेकरी बीच में ले ली गलती से, तो नीचे से घस लिया। अच्छा, हमने वो स्पॉयलर लगाया तो उसको डैमेज हुआ, नहीं तो हाँ। प्राउड ऑफ यू, दूसरे दिन गाड़ी ठोकी है। अब ठोकेंगे नहीं तो चलाएंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, कोई नहीं, अपन ने उसी के लिए ली है गाड़ी, वही तो चलता है। चलो, अच्छी प्लेस है बाय द वे ये, दिस इज कॉल्ड झिलपी लेक, झिलपी लेक है, और यहाँ पे अपोजिट में मंदिर भी है। हाँ। जब ये पूरा भर जाएगा तब और मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा वॉकवे बना हुआ है, और ये अच्छा, ये पीछे है वॉकवे, और बहुत सारे लोग है, तो वो थोड़ा सेक्लूडेड प्लेस लग रहा था, ये काफी लोगों को, ये पॉपुलर जगह है जनरली, अगर आप सर्च भी करते हो, अच्छी लगी, हम तो मस्त अभी बैठ के खाना, यस, आप सर्च भी करते हो कि पॉपुलर प्लेसेस टू विजिट इन नागपुर, तो उसमें ये झिलपी लेक तो दिखाई देता है। तू नहाया नहीं ना, चल नहा ले। नहाया हूँ मैं, रोज नहाता मैं, इतने में डील हुई थी ना अपनी तब से, यस डील, तो वो वाला अगर आप गूगल मैप पर डालो ना झिलपी लेक, तो वो वॉकवे तक का रास्ता दिखाएगा। गूगल मैप के थ्रू यहाँ तक आया या कहाँ? वो वॉकवे तक आते थे अपन, गूगल मैप के थ्रू अगर डालते हैं ना तो वॉकवे तक रास्ता दिखाता है। हाँ, कहाँ पर है वो? वहाँ पर है, वहाँ से फिर आपको रास्ता सामने दिख ही जाता है पूरा, तो अपने आप ही आप आ जाते हो, बस ये इतना यहाँ का थोड़ा सा स्ट्रेच जो है वो थोड़ा छोटा है, तो दो गाड़ियाँ जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, हमको रिवर्स लेनी पड़ी थी। बाकी ये मंदिर है इधर, हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर भूख लग जाएगी। एक जो मेन स्पॉट है जहाँ पे हमको जाना ही है वो हमको दिख गया है रास्ते में। हाँ। अभी जब हम रिटर्न जाएंगे तब वहाँ पे जाएंगे। हाँ, और वो बहुत अच्छा है, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, गर्दी भी बहुत है वहाँ पे, सरप्राइज भी रहेगा, तो प्लीज आगे तक व्लॉग देखो, जरूर देखिए, ये थोड़ा ज्यादा लंबा होने वाला है, अपने को इसमें काफी कट करने पड़ने वाला है, वो मैं कर दूंगी, उसका टेंशन नहीं है।
थोड़ा सा बोर हो गया तो सह लो, एंड में अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छा रहेगा क्योंकि हाँ क्योंकि वो चीज जनरली है नहीं इधर के एरिया, नागपुर में तो नहीं है वही, लेकिन नागपुर इज अ ट्रॉपिकल सिटी एरिया में ऐसे क्लाइमेट्स में वो चीजें नहीं देखने मिलती जो हम दिखाने वाले हैं। यस, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ वो चीज देखने के लिए, बहुत मेरे को बहुत दिन से जाना था, बट एक्सीडेंटली इसने बोला चल अपन वो वाला गेम खेलते हैं, ऐसे पत्थर मार के वो वाला किसका दूर जाता ले, क्या लो पत्थर फेंक देखते कितने जाता है, तो तू भी फेंक, फेंकता ना साथ में, कैसे फेंकेंगे दोनों एक साथ नहीं आएंगे ना, मैं पकड़ती ना, मेरा गया कितना फालतू शक्ल दिखा, नहीं फिर से नहीं, बेस्ट ऑफ थ्री नहीं है शक्ल दिखा, अब वो आदत नहीं रही ना, कैसे लगा पथरी हो गई क्रॉक्स कीपिंग करने की बात कर रही थी ना, ऐसे टप्पा खा के आगे जाएगा, कैसे लगा वो बता पहले, तेरा टप्पा तो खाया ही नहीं, अब खाएगा चल आ जा, चल अभी तू ही खेल, मैं जीत गई एक बार, बोल जीत गई करके, बोल तो गई तू, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, 1 2 3 स्टार्ट, तुमसे ना हो पाएगा, आ जा तुमसे ना हो पाएगा, एक और लास्ट बार, बेस्ट ऑफ थ्री रहता है, ये अभी भी बेस्ट ऑफ थ्री में ही है, और अभी भी ये हगेगा दो एटलीस्ट टप्पा खाया बस मेरा उद्देश्य सफल हुआ, बस बस इतनी हिंदी मत बोल, चल पानी में पैर डाल के बैठते उधर, इतना रोमांटिक तो कब से हो गया, मैं नहीं डालूंगी पानी में पैर, मुझे नहीं पता कैसा है, क्लीन नहीं है, नहीं वहाँ पे बैठी है लड़कियाँ, चल लड़कियाँ बैठी मतलब क्लीन है, वाह वाह बेटी वाह, क्या सही टेक्निक है ये, लॉजिक कैसा लगा, लॉजिक तो सही है, चलो थोड़े रील वील बनाए जाए, नहीं ठीक है बना लेंगे रील, बोला ना बना लेंगे, खुद काम भी चल रहा है यहाँ पे, माइनिंग छोटी सी माइनिंग, यहाँ तक पानी रहता है क्योंकि ये गीला दिख रहा है पूरा, वन डे के लिए ठीक है ये स्पॉट, ये और वो हमारा सजेशन तो ये रहेगा कि ये और जो सेकंड प्लेस हम दिखाएंगे दोनों एक साथ कवर कीजिए, क्योंकि ऑन द वे ही पड़ता है, ऑन द वे हाँ, कौन सा सलाई, वो नहीं नहीं सलाई मेंडा नहीं, वो एंड सरप्राइज, सलाई मेंडा भी कर सकते हैं कवर अगर टू व्हीलर से आ रहे हैं तो, यहाँ पे भी टू व्हीलर से आया जा सकता है काफी, हाँ यहाँ पे भी लोग आते ही है टू व्हीलर से, रोड है तो वही टेंशन नहीं है, देख जहाँ पे गाड़ी जाती है फोर व्हीलर वहाँ पे टू व्हीलर, जब महाबलेश्वर गई थी ना सेम ऐसी ही लेक थी वो, बट इतना ठंडा कि ठंड बज रही, वो हिल स्टेशन था ना, हाँ ठंड बज रही थी, पर अभी भी ग्राउंड लेवल पे ही है, चप्पल निकाल देंगे, हाँ देखते थोड़ा मत डाल यार पैर, किसी ने नहीं डाले, गंदा पानी है बेब, बहुत गंदा पानी है, और ये गया अभी देखने, नो गंदा है ना, फोटोज निकाल सकते हैं अपन बस यहाँ पे ऐसे पत्थरों पे बैठ के, चलो फोटोज वगैरह निकालते हैं और फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो फाइनली अब हम क्या पिकनिक करने वाले yes. हैं, ये रहा हमारा पिकनिक बैग निकल चुका, कब से लेके रखी आज यूज हुआ, हाँ ना यूज वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं ना कार ले जाने के लिए, चलो चलो इस जगह ढूंढ के बैठ जाते हैं, है बहुत सारी जगह है वो, देखो आपको दिख रहे होंगे लोग हमारे तरह बहुत से लोग हैं जो डब्बा पार्टी करने आए हैं, पहले मुझे लग रहा था कि हम ही होंगे जो पहले बैठेंगे, बट नहीं फैमिलीज है लिटरली 10-10, 15-15 लोगों की जो आए हैं यहाँ पे खाना खाने, वो देखो अभी आपको दिख रहे हैं उड़ रहे, बस उन्हीं की जगह हम पकड़ेंगे और इधर है लेक, मस्त लेक के सामने डब्बा पार्टी, और हमने तो बढ़िया चादर बिदर नहीं डायरेक्ट चटाई, आ जाओ सर
आज बेकार सी गर्मी हो रही है, मुझे थोड़ी गर्मी हो रही है, मौसम ठंडा चल रही है, हवा है, हवा नहीं चल रही है, थोड़ी है, एकदम हल्की एकदम हल्की। अरे हम देखो एकदम ऐसे यहाँ पे बैठ के भैया लेक साइड आए हैं, लेक साइड लंच, एक नंबर मजा ही आ गया ना। मतलब और क्या चाहिए लाइफ में तुझे, बीवी है, कार है, बंगला है, गाड़ी है, क्या चाहिए तुझे बोल? और कुछ नहीं। सो ये है हमारा खाना, अभी हम खाना स्टार्ट करेंगे। सलाद भी है, सलाद सलाद है, सलाद। तो चलिए शुरू करें खाना खाने। हो चुका है अभी हमारा, स्कूल वैन भी आ चुकी है यहाँ पे हमारा हो चुका है खाना, ये इधर बास्केट, हमारी पिकनिक बास्केट, और यहाँ से अभी हम निकलेंगे, और मैं जिस जगह पे जाने के लिए एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाएंगे। यस, पैर को चीटी आई है। हाँ, खड़ा हुआ स्टेबल से, रह ले रह ले। ये तो लाया मैंने, पानी की बॉटल ऊपर रख देते बट लगेंगे अपने को। ठीक है, ये लाया मैंने बट इसको खाने के लिए स्पून ही नहीं लाया, तो अभी हम जहाँ पे जाएंगे मैं वहाँ पे मांगूंगी, होपफुली मिल जाए तो मैं ये खा लूँ, एनर्जी आ जाएगी मुझे, वैसे तो फुल एनर्जेटिक ही रहती हूँ मैं ऑल टाइम, है ना? यस। ये तो हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे मुझे, मैं आपको बोल रही थी कि सरप्राइज है, सरप्राइज है, यही है वो जगह, अंदर जाके बताती हूँ मैं कैसे। हाँ, और सुबह हम जब आए थे तब कुछ भी गर्दी नहीं थी यहाँ पे, और अभी देखो गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं है। स्पॉट्स खाली थे यहाँ के, खाली मतलब चार पांच होंगी गाड़ियाँ, वो उधर दिख रहा है खाली, वहाँ लगा सकते हैं अपन, रास्ते पे ही लगानी पड़ेंगी, यहाँ नहीं मिलने वाली, अभी लोग आ ही रहे। तो गाड़ी पार्क कर दी है अभी हमने, और हम कहाँ जा रहे हैं बताइए सर, बोर्ड ना चलना अभी भी नहीं बताना है, चल आ जा। ये पेड़ देख के समझ ही गया होगा बहुत से लोगों को, यहाँ पर बोर्ड लगा होगा। ठीक है, अभी अंदर ही दिखा देंगे, यहाँ दिख रहा दिखा, दिखा जो बोर्ड। तो ये है, ये खजूर फार्म है, और अपेरेंटली नागपुर जैसे ट्रॉपिकल वेदर में ये लोग खजूर और स्ट्रॉबेरी उगाते हैं, ऐसा इनके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। मैं तो अभी देखते हैं हम। हाँ, है, ये देख ऊपर या कच्चे खजूर है हर झाड़ पर, है दूर दूर तक है खजूर का। यहाँ थोड़ा ठंडा लग रहा है ना, ऐसे उगते हैं खजूर, मैंने पहली बार देखे झाड़ों पर। नागपुर का वेदर ऐसा है कि काफ़ी गर्मियों में काफ़ी गर्मी चढ़ती है, 45-50 डिग्रीज, तो ऐसे एटमॉस्फेयर में ये लोग यहाँ खजूर उगा रहे हैं। अभी कोई और अलग वैरायटी होगी जिसमें जो उगती भी होगी तो पता नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में स्ट्रॉबेरी भी लिखा था ना। हाँ, स्ट्रॉबेरी पूछेंगे ना, पूछेंगे उनको, पर स्ट्रॉबेरी क्योंकि थोड़ी दिख नहीं रही है इन लोगों का, देखे थे हमने वीडियोस की लोगों ने प्लक करते हुए भी डाले हैं। exactly. ये तो सिर्फ रेस्टोरेंट है, इधर रोड के अगर वो साइड देखे वहाँ पर मुझे बोर्ड दिखा था एग्रो टूरिज्म, वहाँ पर रूम्स वगैरह भी अवेलेबल है, वहाँ से शायद एंट्रेंस है कहीं से, क्या अवेलेबल रूम्स वगैरह, एसी रूम, नॉन एसी रूम, वो सामने वाली जो बिल्डिंग है ना वहाँ पर वो सब है। ये था हमारा सरप्राइज, इधर नहीं देखने मिलता ये चीज़। हाँ, पेड़ तो खजूर के दूर दूर तक नहीं, खजूर तो आ जाता है, पेड़ मैंने जिंदगी में पहली बार देखा ना, मैंने भी पहली बार ही देखी, और कच्चा खजूर पहली बार देखा। हाँ, अपन सिर्फ बनाया हुआ प्रोसेस्ड खाते हैं ना, वो रेड वाला और येलो बिकने को भी है यहाँ पे, देख सकते हो, देखते हैं अभी टेस्ट वगैरह करके देखते हैं कैसा लगता है क्या है। तो जो मैंने पहले बोला था कि सामने रहने का रूम है और इधर रेस्टोरेंट है, ये
कि एक ही ओनर का है जो हमको वहाँ मिले, उन्होंने बताया। स्ट्रॉबेरी अभी इसलिए नहीं है बोले क्योंकि सीजन नहीं है। स्ट्रॉबेरी आएगी दिसंबर में और ड्रैगन फ्रूट भी आता है सितंबर अक्टूबर में। तो ये जो काटे काटे टाइप दिख रहा है ये शायद ड्रैगन फ्रूट का झाड़ होगा। बीच बीच में पपाया भी है। हमने खजूर लिया एक डब्बा, बहुत सही था, एकदम मीठा मीठा ये वाला खजूर है। मूँगफली क्या भाव? 50 की। जो ये सब मेंटेन करता है वो वहाँ के बंदे ने बताया। और हमने मूंगफली खरीदी जो थोड़ी सी फ्राइड, क्या बोलते इसको, फ्राइड नहीं क्या बोलते, रोस्टेड, भूजी हुई है। तो चलो वापस जाने का समय हो गया। फाइनली अभी हो गया है हमारा घूम घाम के और अभी हम घर जाएंगे। घर ही जाएंगे ना कि और कहीं जाना है? घर जाने वाले हैं अभी हम, जाते जाते घर जाके सोएंगे मस्त। मैं इतनी थकी नहीं हूँ बट खाना खा लिया है ना एकदम मस्त वहाँ पे बैठ के बढ़िया। और आज मौसम ने बहुत साथ दिया, इतनी सी भी धूप नहीं थी, थोड़ी सी भी नहीं, तो इसलिए आज मजा आ गया। ह्यूमिडिटी थी लेकिन धूप अभी भी है, ह्यूमिडिटी बहुत ह्यूमिडिटी है, गर्मी हो रही है बट पसीना नहीं आ रहा। ऐसी वाली गर्मी नहीं है, धूप वाली गर्मी नहीं है बट हवा नहीं चल रही उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे फिर से हम लोग आएंगे दिसंबर में क्योंकि तब स्ट्रॉबेरीज होती है और वो प्लक भी करने देते हैं ऐसे लिखा है उन्होंने। यहाँ पे कुछ रेड कलर का दिख रहा है बट वो पता नहीं कि क्या है, इसलिए हम अलग ब्लॉग में कवर करेंगे स्पेसिफिकली। और तब एग्रो टूरिज्म में भी जाएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे क्या है कैसे है। भी चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, अपने आजू बाजू सराउंडिंग में ध्यान रखिए थोड़ा। और हमारी वीडियोस देखते रहिए, और हमारे वीडियोस देखते रहिए। अभी हम ट्राई करेंगे कि आए ज्यादा से ज्यादा वीडियो, सो और हम कंसिस्टेंट रहे इस चीज को लेकर, बट देखते हैं। लेट्स सी, अगर रिस्पॉन्स ऐसा रहा तो अपनी भी इच्छा होती है बनाने की, तो इसलिए अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम डेफिनेटली बनाएंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।